बात मध्यकाल और उससे पहले की है। राजा महाराजा शिकार करने के लिए जंगल में जाते थे और शिकार करने के बाद जब थक जाते थे तो उनको आराम करने के लिए जंगल में ही एक स्थल का निर्माण कराया जाता था जिसे शिकारगाह कहते थे। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ही एक शिकारगाह की सैर कराऊंगा जो कि दिल्ली में है। जर्जर हो चुकी ये इमारत कभी महल की तरह चमकता शिकारगाह था। इस हंटिंग लॉज को फिरोज शाह तुगलक ने मिड 14th सेंचुरी में बनवाया था। इस शिकारगाह को कुशक महल भी कहा जाता है। तुगलक द्वारा बनवाया गया ये शिकारगाह दिल्ली के तीन मूर्ति रोड पर स्थित नेहरू प्लेनेटोरियम के पास है। अगर आप कभी नेहरू प्लेनेटोरियम आओ तो इसे भी देख सकते हो। अब चलो एक चक्कर इस शिकारगाह के चारों तरफ लगाया जाए जिससे हम लोगों को कुछ और भी देखने को मिले। दोस्तों, मध्यकाल में बनी ये इमारत आखेट वन में शिकार करने के लिए आने वाले राजाओं के आराम करने के लिए था। ऐसा लग रहा है कि नीचे भी एक कमरा बना है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि राजा महाराजा शिकारगाह पर आकर आराम करते थे, तो यहाँ कक्ष उनके लिए ही बनाया गया होगा। चलो देखते हैं। अरे, नीचे जाने का रास्ता तो बंद कर दिया गया है, अब तो इसे केवल बाहर से ही देख सकते हैं। राजा महाराजा शिकारगाह का उपयोग वो अपने विश्राम के साथ मनोरंजन के लिए भी करते थे। कभी कभी वो अपने मेहमानों को भी लेकर आते थे और कुछ समय के लिए यहीं ठहरते थे। फ्रेंड्स, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई राजा अपने शिकार कौशल का प्रदर्शन करने के लिए भी आखेट पर जाया करते थे। आओ दोस्तों, अब थोड़ा और ऊपर चढ़कर देखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि वाओ, कितना एडवेंचरस होता होगा शिकार करना, है ना? लेकिन फ्रेंड, कई जानवर जैसे शेर, सिंह, चीता और भालू के विलुप्त होने वाली स्थिति जो आज आई है, उसका एक कारण जानवरों का शिकार करना भी है। शिकार के जाने से ही उनकी संख्या में कमी आई। तो फ्रेंड्स, isn't it our duty to protect endangered animal and species to maintain the biodiversity on earth? Thank you.
तो दोस्तों, ये तो था दिल्ली के बीचों बीच स्थित फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाए शिकारगाह की सैर। आगे भी इस तरह के स्थानों से आपका परिचय कराता रहूंगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को बनाने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया गया है, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसका विवरण नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द शो। सी यू सून। बाय बाय।